नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचवारा थाना की पुलिस ने झारखंड की सीमा से लगे खटनई माराटीकर ग्रामीण पथ पर थाना क्षेत्र के माराटीकर गांव के समीप गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वैन से 19 कार्टून बियर बरामद कर लिया है और एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गोटा नगर थाना क्षेत्र के असनवनी मोहल्ले के मोहम्मद एजाज के रूप में हुई है। तस्करी में प्रयोग पिकअप वैन एवं बरामद बियर को जब्त करते हुए पकड़े गए व्यक्ति एवं अज्ञात वैन ऑनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पकड़े गए तस्कर को शनिवार को पुलिस अभिरक्षा में बांका जेल भेजा जाएगा। पुलिस कार्यवाही में पंचवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह एवं थाना के एसआई संतोष पाठक पुलिस टीम के साथ शामिल रहे। बांका जिले के चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन के लिए 60 वर्ष या अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को कोरोना का वैक्सीन चांदन अस्पताल में प्रतिदिन दिया जा रहा है। आप सभी लोग अपने घर या गांव के ऐसे लोगों को अस्पताल भेजिए, साथ में आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर आना अति आवश्यक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा सके। इसके अतिरिक्त 45 साल से 59 साल के ऐसे व्यक्ति जो गंभीर रूप से बीमार है, उनको भी कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो उनके पास है उसको लेकर अस्पताल आए। आधार और मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य है। ये है कि 45 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक के अधेड़ उम्र वाले को हमको टीकाकरण करना है। इसमें और साथ ही साथ 60 प्लस वाले का भी करना है, जो रोग से ग्रसित हाइपरटेंशन हो, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, जिसका शुगर ज्यादा हो, 45 ओन बाद जितना है, सबको हम आमंत्रित करते हैं। और हम बांका शवा हत्या के वादेशो प्रांत विभिन्न पुलिस थाना कांडों में जब्त देसी विदेशी शराब का विनष्टीकरण एसडीएम मनोज चौधरी की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान 46 कांडों में जब्त 2468 लीटर विदेशी शराब के साथ ही लगभग 10 क्विंटल महुआ फूल भी विनिष्टीकरण किया गया है। विनिष्टीकरण शराब का अनुमानित कीमत 20 लाख बताया गया। इस दौरान पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी उत्पाद विभाग के अधीक्षक अरुण मिश्रा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष करवाई गयी। पुलिस थाना के करीब 40 कांड में और उत्पाद के 6 कांड में शराब का विनष्टीकरण किया गया है। कुल 2468 लीटर शराब का विनष्टीकरण अनुमंडल पदाधिकारी श्री मनोज जी के उपस्थिति में किया गया है। चांदन देवघर पक्की सड़क पर देर शाम एक मोटरसाइकिल और कार की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार रिश्ते में ममेरी भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि धक्का मारने वाला कार चालक वाहन लेकर भागने में सफल हो गया। बाद में आने जाने वाले कुछ लोगों ने जख्मी भाई बहन को उठाकर अस्पताल लाया, जहां दोनों का इलाज कर देवघर रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में जख्मी नंदलाल कापरी चांदन पंचायत के डुमरथन निवासी ने बताया, वह अपनी बहन विनती कुमारी को लेकर मोटरसाइकिल से झारखंड के चरकी पहाड़ी गांव जा रहा था। पांडेडी से आगे बहंगा पुल के पास देवघर की ओर से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे दोनों भाई बहन सड़क पर ही गिरकर जख्मी हो गए और कार चालक भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चांदन कटोरिया चांदन पक्की सड़क पर शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे गुनावरी के तीखे मोड़ पर एक ऑटो और ट्रक के बीच सीधी टक्कर में ऑटो सवार 8 यात्री जख्मी हो गए, जिसमें 2 के हालत काफी नाजुक बताए गए हैं। अस्पताल में इलाज के बाद सभी जख्मियों को देवघर रेफर कर दिया गया है। टक्कर के बाद ट्रक चालक अपना ट्रक लेकर भाग गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि ग्राम बाराटोनी थाना किशुनगंज जिला मधेपुरा निवासी का पूरा परिवार एक बच्चे का मुंडन कराने ऑटो से सुल्तानगंज से गंगा स्नान के देवघर जा रहे थे। चांदन थाना क्षेत्र के गुनावरी मोड़ पर देवघर की ओर से आ रही एक ट्रक से ऑटो को सामने से टक्कर मार दिया, जिसमें ऑटो पर सवार चंदिला देवी, अमरजीत कुमार, विकास कुमार, लालमणि शर्मा, राजू सिंह, रूवी कुमारी, किरण देवी, यशोदा देवी जख्मी हो गई है, जिसके बाद में ग्रामीणों की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां राजू सिंह और किरण देवी की हालत देखकर एक साथ सभी को देवघर रेफर कर दिया गया। ट्रक चालक घटना के बाद ट्रक लेकर भाग गया। घटना की जानकारी पर थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर ऑटो को थाना लेकर आई और ट्रक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बांका जिले के धौरैया सनहौला सड़क चौड़ीकरण के लिए शनिवार शाम कुरमा गांव में मकान का छज्जा गिरने से उसमें दबकर एक बालक की मौत हो गई।
जबकि बालक का पिता सहित दो अन्य लोग छज्जा में दबकर जख्मी हो गए। छज्जा गिरने से कुर्मा का ही निरंजन मोदी का 8 वर्षीय पुत्र दबकर मौत का शिकार हो गया, जबकि खुद निरंजन मोदी और शंकर मोदी छज्जा की चोट से गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने देर रात कुर्मा में मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इसकी सूचना पर SDO मनोज कुमार चौधरी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कुर्मा पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। मृतक परिवार को मुआवजे के तौर पर 4 लाख देने की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार सनहोला धोरैया सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा है। इसके लिए सड़क के चौड़ीकरण का काम जारी है। कुर्मा बाजार के सड़क काफी संकरी हो गई है, इसके लिए जमीन मालिकों से बात कर इसे चौड़ा किया जा रहा है। इसी क्रम में शाम को योगेंद्र मोदी अपने घर का कुछ हिस्सा तुड़वा रहे थे। अचानक छज्जा का टुकड़ा सड़क पर गिरने से तीनों उसमें दब गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन विराट कुमार को बचाया नहीं जा सका। दोनों जख्मी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बेलर पंचायत घुटिया झुनका गांव में शनिवार को 10 बजे सशस्त्र सीमा बल 16वीं बाहनी बेलहर बांका के द्वारा कैंप मेडिकल सिविल एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें गाय, बकरी, मुर्गी एवं आम लोगों को निशुल्क इलाज किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने इसका लाभ उठाया। SSP कैंप में सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान का विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं पशुपालन में बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी का भी इलाज निःशुल्क किया गया। SSP जवान के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग भी अपने स्तर से की गई, जिसमें सभी ग्रामीणों को दवाइयां मिल सके और अच्छी तरह से इलाज हो सके। कैंप SSP जवान के द्वारा चलाया गया। इस कैंप में निशुल्क इलाज करने के लिए विभिन्न गांव के लोग पहुंचे। इस कैंप के मुख्य रूप से गरीबों के बीच स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां एवं पशुपालन के संबंध में होने वाली बीमारियों का इलाज, जैसे गाय, बकरी, भेड़, मुर्गी, भैंस के बीमारियों का भी इलाज किया गया। अमरपुर स्थानीय रेफर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के लिए प्रतिदिन वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 60 वर्ष की आयु वाले महिलाएं एवं आम लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला खुराक दिया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आम लोगों में खासी उत्साह देखी जा रही है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वृद्ध महिलाएं व आम लोग कोरोना टीकाकरण शिविर में पहुंच रहे हैं, लेकिन शिविर में आए लोग COVID-19 का पालन नहीं कर रहे हैं। खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। शिविर में कई लोग तो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन जिला पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा स्वास्थ्य कर्मी को COVID-19 का पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है, लेकिन सारे निर्देशों का अस्पताल परिसर में खुलेआम उल्लंघन होती नजर आ रही है। शिविर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी तो स्वयं मास्क पहनते हैं, लेकिन शिविर में आए लोग को मास्क पहनने का अपील करना भी मुनासिब नहीं समझते, जिस कारण COVID-19 का कहर फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। बताते चले, महाराष्ट्र व अन्य शहरों में कोरोना का कहर फिर से अपना पांव पसारने लगा है। हाल ही में बांका जिले के रजौन में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे चिकित्सकों ने 15 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया है। अगर अभी आम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो आने वाला समय भयावह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में विद्युत विभाग का अधिकारियों के द्वारा बिजली बिल सुधार एवं बिल कलेक्शन को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अमरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बिल सुधार के लिए आवेदन दिए गए। बिजली विभाग के जय अभिषेक कुमार पासवान ने बताया कि मार्च क्लोजिंग के तहत बिल वसूली कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। अगर उपभोक्ताओं को अधिक बिल आ गया तो वैसी स्थिति में बिल सुधार कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि 1,000 रुपये की बिल जिस भी उपभोक्ताओं का होगा और वह बिल जमा नहीं किए हैं, वैसी स्थिति में डोर टू डोर विद्युत कर्मी पहुंचकर बिजली कनेक्शन काटने के साथ साथ उपभोक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने पर बाध्य हो जाएंगे। बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। शिविर में सप्लाई जय अभिषेक कुमार पासवान के साथ राजस्व जय प्रफुल्ल कुमार, IT प्रबंधक नीरज कुमार, GLM गणेश यादव, छंगुरी पासवान, वीरेंद्र कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए उपभोक्ता उपस्थित थे। देवघर चांदन पक्की सड़क पर चांदन थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार द्वारा एक जुगाड़ गाड़ी को संदेह के आधार पर रोककर उसकी जांच की, जिसमें बड़ी संख्या में बॉक्स बनाकर 400 बोतल शराब बरामद किया गया है। साथ ही उस जुगाड़ गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि पुलिस की गश्ती टीमें रोजाना की तरह पक्की सड़क पर गश्त कर रही थी। मोड़ पर कवारिया पद के रास्ते में एक जुगाड़ गाड़ी कटोरिया की ओर जा रही थी, जिस पर एक प्लास्टिक का बैलेंस और पानी का बोतल था, जिस पर पुलिस को शंका होने पर उसे रोककर जांच शुरू किया गया तो पाया गया जुगाड़ गाड़ी में एक विशेष बॉक्स बना था, जिसमें खोलने पर उस पर
400 बोतल शराब बरामद किया गया। चालक फूलो सिंह मुफस्सिल थाना खगड़िया का निवासी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चालक द्वारा बताया गया शराब की बड़ी खेप होली में बिक्री के लिए खगड़िया ले जाया जा रहा था। थाना अध्यक्ष द्वारा मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।